को कोई ताल्लुक नहीं है। जेल से बाहर आ गए लव चार्जर बाबा, जिनको आप पहचानते हैं। लव चार्जर बाबा जेल में थे, जेल से बाहर आ गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, जेल से निकलने की तस्वीर, ये आप देख रहे हैं सुनारिया जेल। इस जेल में राम रहीम बंद थे अब तक, जिला कारागार। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये राम रहीम का काफिला आप देख रहे हैं। राम रहीम जेल से निकले, पूरा काफिला, गाड़ियां भी एस्कॉर्ट कर रही जो आप देख रहे हैं, और सीधे बाबा को लेने, रिसीव करने हनीप्रीत भी आई थी। अगली तस्वीर दिखाई, ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं बाबा का, ये राम रहीम का काफिला निकला है। तो सवाल एक बहुत बुनियादी है, राम रहीम पर हत्या का आरोप सिद्ध हुआ, यानी हत्या में दोषी है। राम रहीम पर बलात्कार का आरोप सिद्ध हुआ है, दोषी है, और चार बार हफ्तों हफ्तों के लिए राम रहीम जेल से बाहर आ जाते हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। फिर मौज करेगा गुरमीत राम रहीम, हत्या का गुनाहगार राम रहीम जेल से बाहर, महिलाओं के यौन शोषण का सजायाफ्ता राम रहीम जेल से बाहर। 14 महीने में चौथी बार जेल से बाहर आ गया राम रहीम, इस बार 40 दिन तक मौज कटेगी। खुला घूमेगा हत्या और यौन शोषण का गुनाहगार लव चार्जर। राम रहीम जेल से बाहर आ गया, राम रहीम का काफिला बरनावा आश्रम पहुंच गया, लेकिन हरियाणा सरकार के मुखिया को इसकी जानकारी नहीं। जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सही में जानकारी नहीं थी, या मुख्यमंत्री सच से मुंह चुराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर गुरमीत राम रहीम पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? आखिर राम रहीम को 14 महीने के भीतर चौथी बार जेल से बाहर भेजने के पीछे असली वजह क्या है? त्रिपुराजी के सप्ताह महीने में कई सालों बाद आपके दर्शन करेंगे और लाइव करेंगे, जैसा राम जी चाहेंगे, तो आप सबको बहुत आशीर्वाद। अब सवाल ये है कि राम रहीम पर आखिर किसकी कृपा है? आप सोचिए, जेल में न जाने कितने लोग हैं जो